नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परिवार में एक महिला बहुत सारे रोल निभाती है। बेटी, बहन, पत्नी, बहू जैसे किरदार बखूबी निभाते हुए वो एक घर की शान बन जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन किसी भी घर की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और इसके बिना कोई भी घर घर नहीं लगता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें स्त्री और पुरुष जन्मों के धागे में बंधे रहते हैं। विवाह से पहले लड़के और लड़की के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती है। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो उसे ऐसी पत्नी की कामना होती है जो कि उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में चार चांद लग जाए। वो सद्गुणी और सदाचारी हो, बड़ों का मान सम्मान करे और छोटों से प्रेम करती हो। अब शादी से पहले तो हम किसी का स्वभाव नहीं जान सकते, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन साथी हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं? तो हमारे शास्त्रों में इसका भी उपाय है। आपने भी समुद्रिक शास्त्र का नाम बहुत बार सुना होगा। ये ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग है जिसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का गहराई से निरीक्षण, परीक्षण और अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनसे व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। साथ ही आने वाले भविष्य का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि ये महिलाएं भाग्यशाली साबित होती हैं और इनसे पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन का हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है जिसे वो अपने परिवार से बांटती हैं। दूसरा लक्षण है गोल चेहरा तथा बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को भाग्यशाली माना जाता है। इनके भाग्य की चमक में इनके परिवार का भाग्य भी चमक उठता है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली होती हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। जिन स्त्रियों के दांत सफेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। जिन महिलाओं की जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है तथा उनके होंठ हल्के गुलाबी होते हैं तो उन्हें भी भाग्यशाली कहा गया है। पतले और लंबे होठों वाली महिलाएं बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि इनकी मुस्कान बहुत ही सुंदर होती है। जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली महिलाओं की श्रेणी में आती है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का प्रयास करती है। जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, भुजाएं लंबी और हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती है और हथेलियों पर शंख चक्र जैसा कोई शुभ होता है तो उन्हें सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली कहा गया है। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी, बिहाई रहित और नर्म होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है क्योंकि पुराणों में ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती है। उनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और पति का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो निशान, आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर एक, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है।
ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुफ्त उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर तीन, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। दोस्तों नंबर चार, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है, इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो इसे दुगना करने का हर संभव कार्य करती है। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर पाँच, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपने प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों नंबर छह, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है तो वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती है। दोस्तों नंबर सात, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती है। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरणी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है, उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों नंबर आठ, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों नंबर नौ, खूबसूरत चमकदार बाल। अगर जिस महिला के होते हैं तो वो महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर जाती है, घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं, तो चलिए इस बारे में भी जान ले। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं तो वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है, कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाता है ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही और बातों के बारे में। दोस्तों अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हो और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है।
मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती है तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है, ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के जिस गैप को आप खूबसूरती में दाग मानते हैं, समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई है, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वो लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनके सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वो लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियारों सी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी सुधार देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है, इसीलिए इनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे संकेत जिनसे किसी भी स्त्री के सौभाग्यवती होने के संकेत मिलते हैं। शास्त्रों में ऐसी स्त्री जो अपने सद्गुणों से मकान को घर और घर को स्वर्ग बनाती है, वो स्त्री जो पतिव्रता होती है, चरित्रवान होती है, जो घर परिवार का ध्यान रखती है, अतिथियों का स्वागत सत्कार करती है, स्वयं को स्वच्छ और संवार कर रखती है, घर को स्वच्छ और सजा कर रखती है, नित्य पूजा पाठ करती है, समय समय पर घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन करती है, बच्चों को सुशिक्षित करती है, ऐसी महिलाएं घर और परिवार के लिए कल्याणकारी और सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। क्या आपके भी अंदर ऐसे लक्षण हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।